आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लोग नोड जेएस को इंस्टॉल किए थे, तो इस वीडियो में रिएक्ट सेटअप को देखेंगे और फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले वीट को इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वीट, ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीट को npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का नाम माई ऐप लिखते हैं और इसको VS कोड में ओपन करते हैं और टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो npm क्या है? तो npm एक टूल है जो पैकेज को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। npm पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करता है। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो वीट प्रोजेक्ट सही है, एंटर करेंगे। यहाँ से रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये आपका वीट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। वीट प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो फाइल पे जाएंगे और ओपन करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट और ओपन कर देंगे तो ये आपका वीट प्रोजेक्ट ओपन हो गया। टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ से npm को इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे npm रन dev करेंगे। अपने ऐप को चलाने के लिए npm रन dev करते हैं और एंटर करेंगे। इस लिंक को फॉलो करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐप डिस्प्ले हो रहा है। तो वीट क्या है? तो वीट एक मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए एक ब्यूल टूल है जो फास्ट एंड इफिशियंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो वीट बहुत ही फास्ट है इसीलिए वीट को यूज करते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो नोड मॉड्यूल क्या है कि ये डिपेंडेंसी को कंटेन करता है जो आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी को कंटेन करता है। पब्लिक क्या है? तो पब्लिक के अंदर vite.svg लोगो का यूज कर रहा है और इसमें आप अपने वेबसाइट का इमेज भी दे सकते हैं। और ये जो SRC है, SRC के अंदर ही हमें जो भी काम करना है इसी के अंदर करेंगे, जैसे कंपोनेंट बनाना, पेज बनाना, तो ये आपका मेन है जो SRC है उसके अंदर ही जो भी वर्क करना है करेंगे। जैसे एसेट्स हैं तो एसेट्स के अंदर react.svg का लोगो है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं, अपने वेबसाइट का जो भी इमेजेस हैं इस फोल्डर में दे सकते हैं। और app.css क्या है कि इसमें आप अपना स्टाइल दे सकते हैं, तो इसमें पहले से ही स्टाइल दिया गया है, जैसे ये इसको सेंटर करना, इस बटन पे ये होवर करना, ये सब यहाँ पे पहले से स्टाइल किया गया है। app.jsx क्या है कि ये आपका पहला कंपोनेंट है इस ऐप का। और index.css क्या है कि ये ग्लोबली वर्क करता है, जो भी आप ग्लोबली अपने वेबसाइट पे चेंजेस देखना चाहते हैं या आप ग्लोबली css लिखना चाहते हैं तो इस index.css में यूज कर सकते हैं। main.jsx क्या है कि ये आपका एंट्री पॉइंट होता है इस ऐप का और यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट को यूज किया जाता है और यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, इस ऐप को रेंडर करता है। किट इग्नोर क्या है कि जैसे आप गेटअप पे कोड को अपलोड करते हैं तो जैसे आपको कोई भी फोल्डर अपलोड नहीं करना है, जैसे इसमें आपको कोई भी फोल्डर अपलोड नहीं करना है तो यहाँ पे बस फोल्डर का नाम दे देंगे तो ये गेटअप पे इग्नोर कर देगा, ये वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। जैसे नोड मॉड्यूल्स है गेटअप पे अपलोड नहीं होता है। index.html ये नॉर्मल html ही है, यहाँ पे टाइटल होता है, जैसे टाइटल को चेंज करके माई ऐप करते हैं तो ये आपका वेबसाइट का जो भी रिएक्ट है ये टाइटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर डिव के अंदर ID रूट होता है, ये क्या करता है, main.jsx है, इस मेथड में रूट के ID पे कंटेंट को डिस्प्ले कराया जाता है आपके ब्राउजर में, वो कंटेंट ऐप के कंपोनेंट से आएगा। तो ऐसे ही id.root वर्क करता है। स्क्रिप्ट के हेल्प से main.jsx को लिंक किया जाता है का ऐप यहाँ पे रेंडर हो। पैकेज log.json और package.json क्या है? तो package.json ये आपके ऐप का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे नेम, प्राइवेट, वर्जन, टाइप, और यहाँ पे डिपेंडेंसी को कंटेंट करता है, डिपेंडेंसी बताता है। और यहाँ पे package.log.json भी सेम वैसे config.js है, ये वीट का कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको ज़्यादा कुछ यूज करना
आपके लिए जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन आपका SRC है जिसमें आप अपना वर्क कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी वर्क करेंगे ये SRC में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।